गर्दन का दर्द क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है गर्दन का दर्द। गर्दन के दर्द की सबसे बड़ी वजह दुरुस्त पोजिशन में गर्दन को ना रखना है। जिस्म में सबसे ज़्यादा हरकत में रहने वाला हिस्सा हमारी गर्दन ही है। इसकी बेहतर कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है कि इसको अच्छी हालत में रखा जाए। अगर गर्दन में दर्द हो तो सर को हिलाना भी मुश्किल हो जाता है और काम काज करने में दुश्वारी होती है। गर्दन के दर्द की वजह से कंधे और आसपास के मसल्स भी तकलीफ में होते हैं। ये दर्द बाजूकात सर दर्द, सुन होना और अकड़ाहट का बाइस भी बनता है, जिसकी वजह से निगलने में दुश्वारी होती है और गर्दन पर सूजन भी हो जाती है। गर्दन के दर्द की बहुत सी वजूहत हैं। गर्दन की नसों में खिंचाव पैदा होने की वजह से भी गर्दन में दर्द होने लगता है। गर्दन के मनके हिल जाने या गर्दन पर ज़्यादा दबाव पड़ने से भी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। गर्दन का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है। गलत तरीके से सोना भी गर्दन के दर्द का सबब बनता है। गर्दन के दर्द के मरीज काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं। अगर ये दर्द हफ्ते से ज़्यादा हो तो इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। गर्दन के दर्द की एक अहम वजह पट्टों में खिंचाव है, जो ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में बैठकर काम करने से होता है। सोते वक्त गर्दन को गलत तरीके से रखना या वर्जिश के दौरान गर्दन को झटके देने से भी गर्दन में दर्द हो जाता है। अगर आपको एक दफ़ा गर्दन का दर्द शुरू हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और अगर आप एहतियात करते हैं तो 100% लोगों में से 85% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इन तमाम वजूहत इसबाब को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना के हुक्मा साइंसदानों फार्मासिस्ट में हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में गर्दन के दर्द का नहायत कीमती इलाज मुतारिफ करवाया, जो खालिज जड़ी बूटियों की अमेजिश से तैयार किया गया है, जिसके रिजल्ट भी मुस्तकिल हैं। तासीर दवाखाना लाया आपकी तकलीफ का हल, तब इस तकलीफ दा मर्ज से जान छुड़ाएं और अपना इलाज करवाएं। एक दफ़ा के मुकम्मल इलाज के बाद आपको ये मसला दोबारा दरपेश नहीं होगा। ये इलाज मुजर असरात से पाक है, इसकी किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये कीमती इलाज गर्दन के दर्द जैसे तकलीफ दा मर्ज का वाहिद मुफीद इलाज है। तो आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और इस इलाज का भरपूर फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ खुराक और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। खुराक भी इंसानी जिस्म को फिट रखने में अहम किरदार अदा करती है। तो सबसे पहले ज़्यादा आप अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल रेगुलर करें, ऐसी खुराक ज़्यादा खाएं जिसमें कैल्शियम वाफर मकदार में हो, जो हड्डियों को मजबूत करें। फ्रेश फ्रूट ज़रूर खाएँ, मिल्क शेक वगैरह पिए। इसके अलावा मछली, गोश्त और तमाम मगज़ियात इस्तेमाल करें। और एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको अपने रोज़मर्रा के मामलात में तब्दीली लाना होगी। आपको गर्दन की पोजीशन को गलत सिमत में रखने से बचाना होगा। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर आपके कंफर्टेबल लेवल पर होना चाहिए, ताकि ना ज़्यादा गर्दन झुकानी पड़े और ना ज़्यादा उठानी पड़े। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या प्रिंटिंग कर रहे हैं तो हर 15 मिनट के बाद गर्दन के मसल्स को हरकत में लाएँ, ताकि मसल्स में खून की गर्दिश रहे और इनमें खिंचाव ना हो। नाज़रीन, इन हदायात पर अमल करके आप इस तकलीफ से बच सकते हैं। आप आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और गर्दन के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को आज के प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा हासिल हुआ होगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विज़िट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।